हल्कियां दे अंदर लंबे समय तो चर्चित रहे सेवा मुक्त DGP पद्म श्री मुहम्मद इजहार आलम IPS नहीं रहे। उन्हें चंडीगढ़ विखे आखिरी सांस लेने आलम परिवार के करीबी हाकम सिंह चक मुताबक शुगर तो पीड़ित जिनाब आलम का देहांत दिल का दौरा पैण के कारण होया। वह अपने पिछे 3 बेटे ते 2 बेटियां छड़ गए ने। पंजाब वाकफ बोर्ड के चेयरमैन रहे जिनाब आलम की पत्नी फरजाना निसारा खातून श्रोमणी अकाली दल की विधायिका वजों पिछली बादल सरकार में मुख्य संसदीय सकत्र भी रहे ने। जनाब आलम और बीबी फरजाना आलम श्रोमणी अकाली दल के मीत प्रधान भी रह चुके हैं। परिवारक सूत्रों के मुताबिक जनाब आलम की मृतक के 7 जुलाई दिन बुधवार को सरहिंद शरीफ विखे सपुरदे खाक की जाएगी। हल्कियां के अंदर लंबे समय तो चर्चित रहे सेवा मुक्त DGP पद्म श्री मुहम्मद इजहार आलम IPS नहीं रहे। उन्हें चंडीगढ़ विखे आखिरी सांस लेने आलम परिवार के करीबी हाकम सिंह चक मुताबक शुगर तो पीड़ित जिनाब आलम का देहांत दिल का दौरा पैण के कारण होया। वह अपने पिछे 3 बेटे ते 2 बेटियां छड़ गए ने। पंजाब वाकफ बोर्ड के चेयरमैन रहे जिनाब आलम की पत्नी फरजाना निसारा खातून श्रोमणी अकाली दल की विधायिका वजों पिछली बादल सरकार में मुख्य संसदीय सकत्र भी रहे ने। जनाब आलम और बीबी फरजाना आलम श्रोमणी अकाली दल के मीत प्रधान भी रह चुके हैं। परिवारक सूत्रों के मुताबिक जनाब आलम की मृतक के 7 जुलाई दिन बुधवार को सरहिंद शरीफ विखे सपुरदे खाक की जाएगी। हल्कियां के अंदर लंबे समय तो चर्चित रहे सेवा मुक्त DGP पद्म श्री मुहम्मद इजहार आलम IPS नहीं रहे। उन्हें चंडीगढ़ विखे आखिरी सांस लेने आलम परिवार के करीबी हाकम सिंह चक मुताबक शुगर तो पीड़ित जिनाब आलम का देहांत दिल का दौरा पैण के कारण होया। वह अपने पिछे 3 बेटे ते 2 बेटियां छड़ गए ने। पंजाब वाकफ बोर्ड के चेयरमैन रहे जनाब आलम की पत्नी फरजाना निसारा खातून श्रोमणी अकाली दल की विधायिका वजों पिछली बादल सरकार में मुख्य संसदीय सकत्र भी रहे ने। जनाब आलम और बीबी फरजाना आलम श्रोमणी अकाली दल के मीत प्रधान भी रह चुके हैं। परिवारक सूत्रों के मुताबिक जनाब आलम की मृतक के 7 जुलाई दिन बुधवार को सरहिंद शरीफ विखे सपुरदे खाक की जाएगी।